हेलो व्यूअर्स, सुमन हैंडीक्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैंने जो पिछली वीडियो में यह कैप बनाई थी, इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया था। वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसको चोटी तक ही बना के छोड़ दिया था और ये फ्लावर बनाने उस वीडियो में नहीं दिखा पाई थी। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह फूल जितने दिखने में सुंदर लगता है उतना ही बनाने में भी आसान है और इसको हम किसी भी वुलन चीज़ पे यूज कर सकते हैं। इसका मेजपोश भी बना सकते हैं और शॉल भी बना सकते हैं। इन फूलों को भी क्रोशिए से बनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। फूल बनाने के लिए हमने यह 4 प्लाई की ऊन है, हमारे पास 4 mm का क्रोशिया है और इसको हमें क्रोशिया को इस थ्रेड के नीचे से लेकर ऐसे ऐसे लाना घुमाकर और ऐसे यहाँ से लेकर नोट लगाने के लिए लग गए। अब हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। चैन बना ले। अब हमको डबल क्रोशे के साथ में यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। और इसी होल के अंदर हमें डबल क्रोशे के साथ में 12 बनाने हैं। 12 डबल क्रोशे से इसको पूरा करेंगे राउंड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, एक और करना है। देखिए हो गया हमारे 12। अब हम इसको फर्स्ट वाले डबल क्रोशे की चैन में ऐसे देखिए जॉइंट कर देंगे। इसको हम यहाँ से पलट लेंगे, ऐसे यहाँ से लेकर फर्स्ट वाले यहाँ डबल क्रोशे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से लिया, देख रहे हैं, यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशे छोड़कर इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ये हमारी 3 चैन से लूप बन जाएगी। इसी तरीके से हमको 6 बनानी है। दो डबल क्रोशे को छोड़कर करते रहेंगे।
1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं? एक और बच्चे और हम इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। हाफ क्रोशे, फर्स्ट हाफ क्रोशे होगा और फिर बीच में 3 डबल क्रोशे। ये जो हमने पीछे चैन की लूप बनाई, लास्ट वाला भी हाफ क्रोशे होगा। देखिए इस तरीके से इसकी पैटर्न बन जाएंगे। ये बन गई है। ये जो पीछे हमने 6 लूप बनाई थी चैन की, अब नेक्स्ट वाले में चैन में डालेंगे हाफ क्रोशे के साथ 3 डबल क्रोशे। इसी तरीके से हमको ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। पैटर्न बनाते समय यही ध्यान रखना है, स्टार्ट करेंगे तो हाफ क्रोशे से और बीच वाले डबल क्रोशे में और फिर लास्ट में फिर हाफ क्रोशे। देखिए हमारे राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पलट लेंगे यहां से जॉइंट करते हुए। अब यहां से उठाकर ऐसे अब हम यहां पर 6 चैन बनाएंगे। देखिए यहाँ पैटर्न को यहाँ से लेकर इसको ऐसे अटैच कर दें। ये भी 6 लूप ही बनेंगे 6 चैन के। फिर यहाँ पर ऐसे कर दें इससे।
यहाँ से नीचे से लेकर पहला लुक के उसके साथ में ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हो गई हमारी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको अब हम पलट लेंगे। हाफ क्रोसे के साथ में स्टार्ट करेंगे राउंड को, बीच में 6 डबल क्रोसे। लास्ट वाला हाफ क्रॉस एक साथ में से बंद कर देखिए। नेक्स्ट लुक में डालेंगे हाफ क्रॉस एक साथ, बीच में डबल क्रॉस 6। इसी तरीके से राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ध्यान रखना, पेटल जब स्टार्ट करते हैं शुरू में हाफ क्रोसे। देखिए आराम से लगाऊंगे डबल के 6। यहां से जहां से ले लेंगे ऐसे।
यहाँ से कट कर देंगे इसको। देखिए मेरा फूल बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने इसके पेटल के दो ही राउंड करे हैं। आप इसको चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा इसको बना सकते हैं। और इन फ्लावर्स से हम कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, शॉल बना लो, मेज पोस्ट बना लो, इनसे कुछ ही बनाया जा सकता है, बहुत ही इजी है। अगर इसको बनाने में आपको कोई परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ये वही फूल हैं जो मैंने कैप में लगाए हुए हैं, इस वाले कैप में लगाए हुए हैं जो मैंने ये फूल, ये वही फूल है। यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।